सो गाइस आज अपन बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट में एक ऑटोमेटिक एलिवेटर। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो चलो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिना किसी टाइम के। सो गाइस एलिवेटर को बनाने के लिए हमको यहाँ पे कोई भी एक जगह पे आ जाना है। उसके बाद गाइस हमको यहाँ पे चार ऑब्सिडियन ब्लॉक लगा देना है कुछ इस टाइप से। फिर आपको गाइस यहाँ पे एक स्टिकी पिस्टन और एक नॉर्मल पिस्टन लगा देना है। फिर उसके ऊपर दो स्लाइम ब्लॉक और नीचे उसके दो स्लाइम ब्लॉक है ना कुछ इस टाइप से। फिर आपको गाइस स्टिकी पिस्टन वाली साइड आपको गाइस यहाँ पे स्टिकी पिस्टन लगा देना है और जो हमने नॉर्मल लगाया था उसके साइड आपको नॉर्मल पिस्टन लगा देना है। फिर आपको गाइस नॉर्मल पिस्टन वाली साइड पे आ जाना है और फिर आपको गाइस यहाँ पे नीचे दो ब्लॉक कुछ इस टाइप से तोड़ना है और नीचे वाले पे आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से तोड़ के यहाँ पे दो ब्लॉक्स लगा देना है। सेम गाइस आपको ऊपर की साइड दो स्लाइम ब्लॉक लगा देना है। फिर आपको गाइस यहाँ पे दो ब्लॉक नॉर्मल और फिर यहाँ पे दो ब्लॉक नॉर्मल है ना कुछ इस टाइप से। ओके फिर आपको गाइस यहाँ पे पीछे वाली साइड यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको ऑब्जर्वर को लगा देना है और सेम गाइस आपको इस वाली साइड को भी लगा देना है, देख सकते हो। ओके फिर गाइस आपको यहाँ पे हमने जो ऑब्जर्वर लगाया था वहाँ पे आप लोगों को एक पिस्टन लगा देना है। फिर गाइस आपको यहाँ पे लगा देना है एक ऑब्जर्वर जिसका फेस सामने की तरफ हो, है ना। फिर गाइस आपको यहाँ पे कुछ स्टेप से दो ऑब्जर्वर लगाने हैं, सामने वाला गाइस आपको यहाँ पे तोड़ देना है ना। और फिर गाइस आपको अपने एलिवेटर को भाई कितनी ऊपर तक मतलब ले जाना है, मतलब आप भाई जितना इसको चाहे उतना ऊपर तक ले जा सकते हो। ओके तो उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे ऊपर भाई ब्लॉक लगा देना है ना, मतलब भाई आपको भाई कहाँ तक अपना जो एलिवेटर को ऊपर तक ले जाना है और वहाँ पे आप भाई अपना जो घर पर बनाओगे। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे देख सकते हो दो ब्लॉक लगा देना है कुछ इस टाइप से, है ना, ऑब्सिडियन के, ताकि भाई हमारा जो एलिवेटर भाई ज़्यादा ऊपर ना जाए, यहाँ पर रुक जाए, है ना। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना हाइट, मैंने यहाँ पे इतनी हाइट तक ले गया हूँ। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको भाई सिंपल सा इस ऑब्जर्वर के सामने आपको एक ऑब्जर्वर लगा देना है तो हमारा एलिवेटर गाइस यहाँ पे चल पड़ेगा, है ना। और अभी गाइस हमने जो ऊपर लगाए हैं ऑब्सिडियन ब्लॉक तो अपना एलिवेटर भाई वहाँ पर रुक जाएगा। तो आपको भी भाई पहले ऑब्सिडियन ब्लॉक लगाना है उसके बाद इसको स्टार्ट करना है, वरना अपना एलिवेटर भाई हाथ से निकल जाएगा, आपके कंट्रोल में नहीं होगा। ओके तो देख सकते हो अपना एलिवेटर भाई यहाँ पे सिंपल तरीके से जाके रुक जाएगा, है ना। फिर आपको गाइस यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपको अपना जो ऑब्जर्वर वाली साइड है ना यहाँ पे गाइस आपको देखो यहाँ पे एक स्टिकी पिस्टन लगाना है और आपको यहाँ पे एक बटन है ना कुछ इस टाइप से और फिर इसको दबाना है और फिर तोड़ देना है ना। तो देखो अपना ऑब्जर्वर भाई इधर आ चुका है और उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से ब्लॉक्स लगा के एक एरिया बना लेना है ना, लिफ्ट टाइप देखो यहाँ पे। ओके है ना तो यहाँ पे सेम गाइस मैं बना लेता हूँ, है ना। और फिर आपको गाइस ये वाला ब्लॉक तोड़ना है और यहाँ पे गाइस आपको लगाना है एक स्टिकी पिस्टन अपने ऑब्जर्वर के सामने, है ना। और फिर गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक और लेयर लगा देनी है आपको यहाँ पे गाइस ब्लॉक्स की। ओके मैं यहाँ पे उठ के ब्लॉक्स यूज़ कर रहा हूँ तो आप कोई भी ब्लॉक यूज़ कर लेना अपनी पसंद के, है ना। तो यहाँ पे देखो इस टाइप से आपको एक लेयर लगा देनी है, फिर आपको गाइस यहाँ पे बटन लगा देनी है कुछ इस टाइप से। फिर गाइस आपको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेना है ताकि भाई आप जो लिफ्ट से ऊपर आओ तो आराम से भाई यहाँ पे रहो, नीचे ना गिरो, है ना। तो गाइस मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म तैयार कर लेता हूँ इजी तरीके से, है ना। सो गाइस अपना प्लेटफॉर्म गाइस यहाँ पे तैयार हो चुका है ना कुछ इस टाइप से, है ना। फिर अपना एलिवेटर भाई यहाँ पे रेडी हो चुका है, आप देखो यहाँ पे इसको बटन दबाओगे तो भाई यहाँ पे ये नीचे चले जाएगा, है ना, कुछ इस टाइप से इजी तरीके से। तो यहाँ तक तो अपना काम हो चुका है, तो नीचे भी गाइस हमको कुछ ऐसा ही सिस्टम करना है। तो चलो भाई नीचे एलिवेटर को आने देते हैं और करते हैं अपना काम। तो एलिवेटर आ रहा है नीचे, तब तक गाइस लाइक कर दो वीडियो को जिसने नहीं किया है और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो अपना एलिवेटर गाइस यहाँ पे नीचे आ चुका है तो फटाफट से गाइस यहाँ पे अपन करते हैं वो वाला सिस्टम। तो देखो यहाँ पे गाइस आपको कुछ इस टाइप से मतलब बनाना है ना जैसा हमने ऊपर बनाया था। उससे पहले आपको गाइस यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना और आपको यहाँ पे लगा देना स्टिकी पिस्टन जस्ट भाई इस वाले ऑब्जर्वर के सामने, है ना, देख सकते हो। और फिर गाइस आपको क्या करना है, आपको गाइस यहाँ पे भी कुछ उसी टाइप से ब्लॉक्स को लगा देना है। ओके तो देखो गाइस यहाँ पे उसी टाइप से कुछ ब्लॉक्स को लगा रहा हूँ और यहाँ पे फिर आपको गाइस फिर से उठ के ब्लॉक्स लगा देना है, मतलब स्प्रूफ्स, है ना, इनका नाम गाइस ठीक से बोलते नहीं आता मेरे को। ओके उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे ब्लॉक्स लगाना और यहाँ पे भी गाइस आपको एक बटन लगा देना है कुछ इस टाइप से। और फिर गाइस आपको यहाँ पे भी एक प्लेटफॉर्म बना लेना है जैसे गाइस हमने ऊपर बनाया था। तो गाइस मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ फटाफट से। सो गाइस अपने यहाँ पे भी गाइस प्लेटफॉर्म बन के रेडी हो चुका है ना, देख सकते हो सिंपल तरीके से। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको गाइस यहाँ पे कुछ स्टेप से इस वाले ब्लॉक को तोड़ना और इस वाले को, और भाई इन दोनों साइड के ब्लॉक्स को आपको लगाते लगाते गाइस ऊपर तक कनेक्ट कर देना है ना, मतलब जो हमने ऊपर वाला जो अपना एरिया बनाया वहाँ तक। तो कैसे करना है चलो गाइस मैं आपको बता देता हूँ। तो फटाफट से गाइस यहाँ पे ब्लॉक्स अपन लगाते हैं। तो गाइस देखो आपको कुछ भाई इस टाइप से इनको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है ना भाई कुछ इस टाइप से सिंपल तरीके से ऊपर वाले ब्लॉक से। फिर आपको गाइस यहाँ पे ग्लास भी लगा देना है ताकि भाई थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, है ना। तो देखो भाई हमने यहाँ पे ग्लास भी लगा दिया है ना भाई, यहाँ के आप देख सकते हो हाँ भाई एलिवेटर ऊपर जा रहा है। फिर आपको गाइस इस वाले एरिया को भाई यहाँ पे कनेक्ट कर देना है कुछ इस टाइप से, है ना, ताकि भाई लुक में थोड़ा सा अच्छा हो। और सेम गाइस आपको इधर वाली साइड भी गाइस इसको कनेक्ट कर देना है। तो देखो भाई अपना एलिवेटर भाई देखने में भी बढ़िया लग रहा है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको इधर वाली साइड आना है ना, और इधर वाली साइड जहाँ पे गाइस हमने स्प्रूफ ब्लॉक लगाते हैं उसके साइड में आपको
ब्लॉक्स को भाई कुछ उसी टाइप से लगाते लगाते ऊपर की साइड जाके भाई यहाँ पे कनेक्ट कर देना है सिंपल तरीके से, है ना, देख सकते हो। और उसके बाद गाइस अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको गाइस अपना एलिवेटर जो बन के तो रेडी हो चुका है ना, लेकिन भाई इसके अंदर भाई थोड़ी सी कमी है। मतलब भाई क्या करोगे, अगर भाई आप ऊपर जाओगे है ना तो आप एलिवेटर को भाई यहाँ पे नीचे नहीं बुला सकते हो, है ना। और भाई अगर आप ऊपर और एलिवेटर नीचे है तो आप भाई उसको ऊपर नहीं बुला सकते, है ना भाई। मतलब नीचे से ऊपर आप इसको मतलब कुछ आप मतलब समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ ना। तो भाई जिसको नहीं समझ में अभी समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गाइस यहाँ पे एक और सिस्टम इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। मतलब आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर और कुछ करना होगा तब जाके भाई ये चलेगा ठीक से। तो यहाँ पे आपको लगाना है गाइस सिंपल सा एक ब्लॉक, है ना भाई, है ना। तो उसके लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे इस वाली सॉरी भाई ये लग गया ना, तो आपको यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है, फिर वहाँ पे एक रेडस्टोन डस्ट, और फिर गाइस आपको यहाँ पे ऊपर वाली साइड को चले जाना है ना, है ना, मतलब इस वाली साइड, है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गाइस यहाँ पे कुछ इस वाले ब्लॉक्स पे है ना पिस्टन के साइड पे यहाँ पे लगाना है आपको एक ऑब्जर्वर, है ना, कुछ इस टाइप से फेसिंग करके ऊपर की तरफ, और भाई उसको नीचे तक लगाते हुए आ जाना है जहाँ तक गाइस हमने रेडस्टोन अपनी डस्ट लगाई है, ओके। और फिर गाइस आपको ऊपर चले जाना है, इसको तोड़ना है ना। और भाई सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको इधर वाली साइड एक मतलब लेयर लगानी है ना भाई लुक में, जो कि भाई देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे और भाई इसकी ज़रूरत भी है ना। तो यहाँ पे गाइस आपको एक और लेयर लगा देनी है कुछ इस टाइप से ब्लॉक्स की। और फिर गाइस आपको क्या करना है, आपको भाई इधर वाली साइड देख लेना है भाई आपको यहाँ पे बटन लगाने के लिए। तो देखो भाई अपना बटन जो इस वाले ब्लॉक पे आएगा, तो यहाँ पे मैंने गलती से ब्लॉक्स तोड़ दिया है ना। फिर आपको गाइस सॉरी यहाँ पे गाइस आपको रेडस्टोन डस्ट लगाना है ना दो कुछ इस टाइप से, ओके। और फिर गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको गाइस यहाँ पे लगा देना है अपना एक बटन, है ना। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे बटन लगा दिया कुछ इस टाइप से, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रेडस्टोन भाई यहाँ से कनेक्ट करना है और यहाँ पे आपको एक बटन लगा देना है ना। और भाई इन वाले ब्लॉक्स को लगाना मत भूलना, है ना, मतलब बहुत जरूरी है। और उसके बाद गाइस आपको सेम नीचे की तरफ भी करना है, आपको यहाँ पे गाइस एक ब्लॉक लगा देना है और वहाँ पे आपको एक डस्ट लगानी है ना, रेडस्टोन डस्ट। उससे पहले गाइस हमको भी यहाँ पे नीचे एक और लेयर लगा देनी है, और भाई ये वाली लेयर इंपॉर्टेंट है ना, इसको लगाना जरूर से, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ डिजाइन के लिए हो गए ना। तो यहाँ पे भाई आपको इसको लगा देना है। तो गाइस मैं ये वाली लेयर भी कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये लेयर सॉरी ये लेयर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे लगा देना है एक बटन, सॉरी नीचे की टाइप का नीचे की साइड आएगा, तो नीचे मैंने यहाँ पे एक बटन लगा दिया है। उसके बाद गाइस आपको ये वाला ब्लॉक तोड़ना है और यहाँ पे आपको लगा देनी है दो रेडस्टोन डस्ट। और उसके बाद भाई सिंपल सा आपको अपने ऑब्जर्वर को भाई नीचे की तरफ फेस करते हुए, है ना, आपको भाई ऊपर तक ले जाना है कनेक्ट करते हुए कुछ इस टाइप से। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो गाइस यहाँ पे आपको ऊपर तक आना है और भाई इस वाले से भाई यहाँ पे रेडस्टोन डस्ट लगा के इसको कनेक्ट कर देना है। सिंपल सा अपना एलिवेटर भाई तैयार हो चुका है। तो भाई अभी मतलब ये करने के बाद हमको फायदा क्या मिला है, तो भाई देखो फायदा ये मिला है, मान लो भाई अगर मैं नीचे हूँ, है ना, और भाई मेरे को ऊपर जाना है लेकिन भाई यहाँ पे एलिवेटर है ही नहीं, तो उसके लिए गाइस हम ये वाले बटन दबाएंगे तो अपना एलिवेटर भाई नीचे भी आ जाएगा। और अगर भाई आप ये वाली मतलब इसके अंदर चीज़ नहीं ऐड करते हो ना, तो भाई आप मतलब इसको नीचे नहीं बुला सकते हो। अगर भाई नीचे है तभी आप ऊपर जा सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ पे नहीं जा सकते हो, है ना। तो अपना ये वाली बटन दबा के हम इसको नीचे बुला सकते हैं, और भाई जो मतलब बन तो जाता है लेकिन भाई उसमें आप उसको नीचे नहीं बुला सकते हो। बोले इस वाले सिस्टम को अगर ऐड करते हो तो आप इसको नीचे भी बुला सकते हो। देखो भाई अपना एलिवेटर आ चुका है सिंपल तरीके से। और मान लो गाइस अगर मैं ऊपर की साइड हूँ, है ना, तो चलते हैं ऊपर अपन फटाफट से। तो देखो गाइस मान लो अगर मैं ऊपर की साइड हूँ और भाई मेरे को इसको ऊपर बुलाना है अपनी लिफ्ट को, तो भाई अपन कैसे जाएंगे नीचे, ना, तो उसके लिए आपको ऊपर बुलाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको भाई सिंपल सा हमने जो बटन ये वाला लगाया उसको भाई आपको दबा देना है, तो अपना एलिवेटर भाई सिंपल सा भाई ऊपर की तरफ भी आ जाएगा, देख सकते हो, है ना। तो देखो अपना एलिवेटर भाई ऊपर आ रहा है। तो इस वाले फीचर से भाई मतलब बहुत ज़्यादा अपने को फायदा मिलता है ना, नहीं तो भाई अगर भाई एलिवेटर ऊपर है ही नहीं तो अपन जाएंगे कैसे, भाई कूदना पड़ेगा नीचे, ना। लेकिन इस वाले बटन से आप इसको ऊपर भी बुला सकते हो। तो ये वाला भाई सिस्टम आप इसमें जरूर से कर लेना। काफ़ी ज़्यादा आपने देखे होंगे वीडियोज़ भाई उसके अंदर ये वाला सिस्टम नहीं है, सिंपल सा एलिवेटर ये वाला बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि भाई नीचे मतलब नीचे ऊपर जाने का कुछ इस टाइप से सिस्टम नहीं है उसके अंदर, है ना। तो ये वाला मैंने भाई अपने से ऐड किया, तो भाई इसके लिए लाइक तो बनता है ना। तो चलो भाई नीचे चलते हैं फटाफट से, और फिर भाई नीचे से ऊपर भी आते हैं। तो भाई यार काफ़ी लोग वीडियोज़ देख भी लेते हैं लेकिन भाई सब्सक्राइब नहीं करते, तो भाई जाके यार सब्सक्राइब भी कर दो, और वीडियो पे भाई थोड़ा सा सपोर्ट दिखा लो गाइस। मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ लेकिन भाई व्यूज़ ही नहीं आते ना, तो शायद से भाई इस पे व्यूज़ आएंगे या नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन भाई आपके प्यार की सपोर्ट की थोड़ी सी ज़रूरत है, ओके। तो चलते भाई, देखो आप यहाँ पे ईजी तरीके से भाई ऊपर भी जा सकते हो इस वाली बटन को दबा के, है ना। मतलब जो ये वाली बटन है उसके उससे भाई आप मतलब सिर्फ एलिवेटर को नीचे ऊपर बुला सकते हो, है ना। और जो इधर वाली बटन है भाई पिस्टन साइड की, इससे आप ऊपर और नीचे आ सकते हो, सॉरी मतलब ऊपर जा सकते हो, है ना। तो चलते गाइस यहाँ पे ऊपर फटाफट से, और ऊपर का नज़ारा भी देख लेते हैं। तो भाई आप इसको आप किधर भी बना सकते हो ना भाई, सर्वाइवल में भी आप इसको बना सकते हो, बहुत इजी तरीका है। तो भाई यार कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर से बताना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।